माफ करना बेटा, परेशान में था, आपको देखा नहीं। आप बेटा भी बोल रहे हैं, फिर माफ ही मांग रहे हैं। बेटा मेरी एक सहायता करोगे? हाँ जी बोलिए। ये एड्रेस बता सकते हो? माफ करना मुझे नहीं पता। अरे मुकेश, अरे पहचाना नहीं मुझे? नहीं। अरे याद है, एक बार तू रस्ते में जा रहा था तो नाले में गिर गया था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे तो कैसे याद आएगा, जब हम गले मिलेंगे। अरे यार कैसा है तू, कितना बदल गया है। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं मेरे दोस्त। अरे ऐसे क्यों कह रहा है? अरे वो सब छोड़, ये बता तू कहाँ जा रहा है। अरे एक दोस्त का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। और तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे मेरे भांजे की शादी है भाई, मैं भी एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अरे इनसे पूछते हैं, यही एरिया में रहते हैं शायद। भाई साहब। हाँ जी। ये थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। मेरा भी जरा देख लेना यार। भाई साहब एक ही एड्रेस पर जा रहे हैं आप दोनों को, वृद्धाश्रम का एड्रेस है। कमाल है। मत रो यार, चुप हो जाओ, हिम्मत रख। तू वृद्धाश्रम का एड्रेस क्यों पूछ रहा था? बताता हूँ मैं वृद्धाश्रम का क्यों एड्रेस पूछ रहा तू ये बताता हूँ। 2 दिन पहले मेरे बच्चे ने मेरा घर अपने नाम कर दिया धोखे से, और मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। जिस बच्चे के लिए मैंने पूरी जान लगा कर काम किया, मेहनत की ताकि उसके सुख मिले, उसी ने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। 2 दिन से भूखा प्यासा घूम रहा हूं मैं। ऐसे बच्चे को तो मर जाना चाहिए। जिस दिन मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला था उसी दिन पता चला, चाहे किसी के लिए कुछ भी करो कोई फायदा नहीं। सच कहा तुमने। तो तेरा भी सेम है? नहीं। तो फिर 3 दिन पहले बच्चों के नाम सब कुछ अलॉट करने के बाद अब बच्चों ने असली रंग दिखाए हैं। मुझे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे सब कुछ उनके नाम करने के बाद वो मुझे कह रहे हैं कि अब आप खुद घर से निकल जाइए, क्योंकि हमें आपको धक्के मारते निकालते अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्या तूने वो घर छोड़ दिया? उस घर में रहने से अच्छा कि हम रोड पे रह ले। अभी मैंने तुम्हें एक बात और नहीं बताई। क्या? मुझे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास 2 ही महीने हैं जीने के लिए, और मैं चाहता हूं कि बची हुई जिंदगी हम साथ रहें और साथ जिए वृद्धाश्रम में। तेरे बेटे में जरा सी भी ध्यान नहीं है, अपना बाप बीमार है, कैसा रहता होगा रोड पर। कोई फिक्र नहीं, हम साथ हैं, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे।